Yes, come in. आपकी फाइल में तो मुझे कुछ नहीं मिला. मेरा मतलब है ना ही डिग्री ना ही एक्सपीरियंस. तो फिर आपने मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर क्यों दिया? आप तरस खा के मुझे ये जॉब देना चाहते हैं? आई एम सॉरी, मुझे ये आपका एहसान नहीं चाहिए. गुड, वेरी गुड. बैठो अंकल. आप मैं आपसे और अंशरा से माफी मांगने आया हूं. कैसी माफी फायज? रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं जी, लेकिन टूटते तो जमीनों पर ही. उसमें भी अल्लाह का हुक्म होता है. कितना बड़ा ज़र्ब है उसको आपका. इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप मुझे कसूरवार नहीं समझते. नहीं फायज, मैंने तो तुम्हें कभी कसूरवार समझा ही नहीं. शायद ठीक कह रही हूँ. सबसे बड़े कसूरवार तो मेरे पेरेंट्स हैं. और फिर आना, उसकी वजह से सब कुछ बिखर गया. बच्चे तो बच्चे होते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं. ये हम बड़ों की जिम्मेदारी होती है कि हम दरगुजर करें. और अब ऐना इस घर की बहू है और मैं उसे माफ कर चुकी हूं. इसके बावजूद कि इसने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, उसमें भी मैं यही समझती हूं कि कसूर बेटे का होता बहू का नहीं. सुफियान बहुत बदल चुका है फायज. या फिर वो हमारी जिम्मेदारियों से थक चुका है. खैर छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ क्या लोगे? बहुत अरसे बाद आए. नहीं पापा, कुछ नहीं. मैं जरा जल्दी में. क्या मतलब? मैं आज लंदन जा रहा हूँ, वहीं सेटल हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए. क्या तुम आज भी वैसे ही हो? फक कुछ कर दिखाने का जज्बा, वही खुद पर कॉन्फिडेंस. मैंने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की. आपसे माफी मांगना चाहती थी लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकी. आज बहुत वक्त गुजर गया. माफी क्यों मांगना चाहती? मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है. हाँ, तुम्हारी पेरेंट्स की गलत फहमी पे अफसोस जरूर है. मेरे पेरेंट्स भी अपनी गलत फहमी के लिए बहुत शर्मिंदा है. मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है. मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी. देखो तुम आज भी मेरे लिए वैसी. पहले भी तुम्हारा साथ दिया था, अब भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ. मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा पूरा यकीन है. जॉब तुम्हारी मुंतजर है और तुम्हारे अंदर जो कुछ कर दिखाने का जज्बा है ना, वो सामने आना चाहिए. थैंक यू अंकल. फराज साहब तुम्हें समझा देंगे. अब ये बताओ क्या पियोगी, कॉफी या चाय? कॉफी. ऐसा करें, फराज साहब को अंदर भिजवाएं और दो कॉफी भिजवाएं विद मिल्क. एक कॉफी मिलते था तो मेरी वही डबल एक्सप्रेसो. यस स्ट्रॉन्ग. थैंक यू. मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया अंशरा. मैं
तुम्हें अपने प्यार का एतबार दिलाकर खुद रास्ता बदल दिया। मैंने तुम्हें दुखी नहीं बल्कि धोखा भी दिया। तुम्हारा मुजरिम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और उन रसवाइयों का क्या जो मुझे तुम्हारी वजह से मिली और मिल रही है? मुझ पर खोट क्या था ये तो बताओ। कोई नहीं, बस ये समझ लो कि मैं ही तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। ठीक कहा तुम ही मेरे काबिल नहीं। हाँ, मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि तुमसे नजरें मिला सकूं। और तुम देखो मैं कितना बेबस हूं, लोगों से इंतकाम भी नहीं ले सकता जिन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, क्योंकि और कोई नहीं मेरे अपने माँ बाप हैं। हाँ, लेकिन दुख दे सकता हूं, गहरी जुदाई का दुख, मेरी फीलिंग्स को हर्ट करके वो भी कभी खुश नहीं रह सकते। मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। हालांकि हमें पिछली बातें नहीं दोहरानी चाहिए, महज वो जहनी दबाव था या प्रेशर, और उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अब्बू ने आपको बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही पता चल सका कि आप लोग वो जगह छोड़ के जा चुके हैं। हाँ, हम लोग लाहौर शिफ्ट हो गए थे। समरा बहुत अपसेट थी, गुस्से में थी, और मैं नहीं चाहता था कि बार बार तुम लोगों का आमना सामना हो। मैं अपने पेरेंट्स की उस गलतफहमी के लिए शर्मिंदा हूँ अंकल, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने कहा ना, पुरानी बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। आपका दिल बहुत बड़ा है अंकल। इस छोटी दुनिया में रहने के लिए दिल बड़ा रखना पड़ता है। समरा कैसी है? ठीक है, अभी हनीमून से वापस आई है, बिजनेस में मेरा हाथ बिठा रही है और वो चाहती है कि अब वो बिजनेस को टेक ओवर कर ले। और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो इतना बड़ा बिजनेस रन करे। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी और दामाद भी तो बेटा ही होता है। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं। कोई शादी वगैरह? मीठी नाकाम हो गई। नाकाम? क्या मतलब? नाकामी का दूसरा कोई मतलब नहीं होता अंकल। एक मिनट, समरा की कॉल। हेलो। हाँ बेटा, क्या हाल है? बेटा तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? हाँ, और सुनो,
तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम्हारी वो दोस्त उफा का ना, वो इस वक्त मेरे सामने बैठी है मेरे ऑफिस में। हेलो हेलो, कट गए। लगता है समरा अभी तक नाराज है मुझसे। फिक्र मैं उसको मैं आमादा कर लू। अंकल मैं समरा से मिलना चाहती हूँ। ऑफकोर्स तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वो मुझसे मिलना पसंद करेगी। यस आई थिंक सो, एंड मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब इस वक्त तो वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब है। चंद दिनों में मामला ठीक हो जाएंगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हें तो जरूर मिलवाऊंगा। आजम भाई हमें माफ कर देंगे? अम्मी आजम अंकल वाकई बहुत अजीम इंसान है। उन्होंने हम सबको माफ कर दिया, उनके दिल में कोई बात नहीं है। वो तो सब ठीक है, मगर लोग क्या कहेंगे? उंगलियां उठाएंगे कि हम बेटी की कमाई खा रहे हैं। अम्मी क्या बेटियां औलाद नहीं होती? क्या बेटियों को उस तरह नहीं पाला जाता जिस तरह बेटों को पाला जाता है? फर्क सिर्फ इतना है कि बेटियां रुखसती के बाद बराई होती हैं और बेटे कब बराए हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन बेटा मैंने तो तुम्हारे हुकूक भी पूरी तरह अदा नहीं किए। सारी जिंदगी मैं सुफियान को तुम पर तरजीह देती रही, यही सोचती रही कि यही बेटा है, यही बाजू, यही सहारा बनेगा। अम्मी जो गुजर गया अब उसको सोचने से क्या फायदा? और आप लोग बोझ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। बेटा सच तो ये है कि मैं ही तुम सब लोगों का मुशर्रफ। अगर मैं जवानी में अकल से काम लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ा। तुम भी मुतमिन होते, सुफियान का एहसान भी ना लेना पड़ा, हर चीज मुतवाजन रहती। अगर मैं मुतवाजन होता। अभी भी हम हजारों से बेहतर हैं, और मैं तो हमेशा से आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी। लेकिन बेटा तुम हमारी छोड़ो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम अब भी हारिस के निकाह में हो। अगर उसे कोई एतराज हुआ तो, अगर उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता तो वो उन बातों का, उन बहतानों का सामना करता उसकी माँ ने मुझ पर लगाए थे। पापा ने बहुत बुरा किया, बड़ा दुख दिया पापा ने मुझे, पर अल्लाह ने चाहा ना तो वो खुद ही भुगतेंगे, भुगतेंगे आप खुद। आप खाला को क्यों बदवा दे रही हैं? मेरा मुजरिम तो सिर्फ हारिस है। मैं हारिस के अलावा किसी को अपना मुजरिम नहीं समझती। पापा आपने क्यों किया ऐसा? आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, बस उसको ऐसे ही जॉब दे दी आपने। बेटा इस मसले को इतना अरसा गुजर गया लेकिन तुम्हारा गुस्सा झूंका तुआ है। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। नहीं पापा, आपने उसके साथ हमदर्दी करने का सोचा भी कैसे कि वो हमें फिर से दुख पहुंचाए? आप उसे फौरन जॉब से निकाले। देखो समरा वो तुम्हारी दोस्त है और उसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। देखो इस मसले पे हम बाद में बात करेंगे, तुम गुस्से में हो ना। ये बताओ कि हारिस हमें कब से ज्वाइन कर रहा है? उसने तो फौरन ही इनकार कर दिया। पता नहीं उसे क्या हो गया, घमंड आ गया है मुझे लगता है उसमें। तुम अपना बीपी क्यों हाई कर रही हो? तुम्हारे लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हारिस अपनी मर्जी का मालिक है, जो
जो जी में आए वो करे। नहीं पापा, वो अपनी मर्जी पे नहीं चलता, वो सिर्फ अपनी अम्मी की मर्जी पे चलता है। हर बात में मुदाखलत करती है, हर चीज के बीच में आ जाती है, वो उनकी डिक्टेटरशिप मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। देखो समरा, तुम इतने अरसे से अकेली रह रही हो ना, इसलिए तुम ज्यादा फील कर रही हो। नहीं पापा ऐसा नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही हार्स को ऑन करती है। मुझे लगा अगर वो आपके साथ जॉब करेगा तो कम से कम अपने दिमाग से तो सोचेगा। लगता है कोई और ही रास्ता निकालना पड़ेगा। यस चलो कुछ ना कुछ तरीका निकाल। वेलकम टू द कंपनी मिस ओपो। आजम साहब की हिदायत के मुताबिक आप कुछ अरसा मेरे साथ काम करेंगी ताकि आप काम को सीख सकें और समझ सकें। मुझे उम्मीद है आप जल्द सीख जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हिम यू आर ऑनेस्ट सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट भी लगती हैं, सो वी कैन एडजस्ट यू इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मैं पूरी कोशिश करूंगी सर, सारा काम जल्द से जल्द सीख सकूं। गुड। मिस ओपो, आपको एक बात और भी सोचनी होगी, वो ये कि आपको अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंज लेके आना होगा। कैजुअल की जगह बिजनेस कैजुअल की तरफ चली जाइए, एंड इफ यू नीड अ हेयर कट दिस इज द राइट टाइम टू गेट इट। ठीक है, मैंने मंसूर साहब से बात कर ली है, आप अपनी सैलरी एडवांस में ले सकती हैं, शॉपिंग में आपके काम आएगी। थैंक यू सर। यू वेलकम। रुक जाओ हमारा। बीस दिन के बाद तुम्हें घर याद आया, अब क्या लेने आए हो यहां? कुछ लेने नहीं आया हूं, लेने आया। अम्मी ये खर्चे के पैसे हैं, रख लीजिए। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी ये खैरात, जाओ ये पैसे उसी पर खर्च करो जो तुम्हारे लिए अहम है, ले जाओ उसे, नहीं चाहिए। अच्छा जानता हूं मैं, आपकी चहेती उफक नौकरी जो करने लगी, कितने पैसे कमाते? 5,000, चलो 7,000, डिग्री कौन सी है उसके पास? अब्बा 5-7 हजार रुपए में घर नहीं चला करते, 5,000 रुपए तो शुएब की फीस है, प्लीज रख लीजिए। हमारा इसे कहो कि यहां से चला जाए, हमारा गुजारा कैसे होगा, इसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जा रहा हूं मैं, लेकिन अगर पैसे की जरूरत पड़े तो बेटे को फोन कर लीजिए, किसी और से उधार मांगने से बेहतर हो। चलता हूं। महीने से ज्यादा हो गया तुम्हें नौकरी पर जाते हुए, सारे घर का बोझ तुम्हारे कंधों पर है, हम सबका तुम ख्याल रखती हो, मगर अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी, अम्मी मेरी जिंदगी आप, अगर आप हारिस की वजह से परेशान है तो शायद वो कभी मेरा था ही नहीं, अगर वो मेरा होता तो इस वक्त मेरे साथ होता। अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए।
आप बस अपनी बेटी के लिए दुआ किया करें। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए बेटा। खुश इस प्रोजेक्ट में कुछ डिटेल्स डालनी है, ठीक है, और ये जो सारी नंबरिंग्स हैं इनको देख लीजिएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है? ओके। मैम, अहम साहब ने फाइल भिजवाई है, उन्होंने कहा है इसे कंप्लीट करके लंच के बाद आप इनसे मिलना। ठीक है, ये फाइल कंप्लीट करके मेरे ऑफिस। फराज साहब ने तो मुझे नहीं बताया इस फाइल के बारे में, वो तो मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करने का कह रहे थे। खैर, मैं इतना परेशान क्यों हूँ टीम, जीएम साहब को बता दूंगी कि ये फराज साहब ही कंप्लीट करेंगे, मेरे पास तो इन सब चीजों का रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आपको जो बताया वो जरूर कर। सर आपने तो परसों आना था। अगर मैं जाता तो जरूर परसों ही आता, आजम साहब ने मेरा टूर कैंसिल कर दिया, सो ऑफिस तो आना ही था। सर खैरियत थी? बिल्कुल खैरियत थी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस का तो आपको मालूम ही है, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें। आजम साहब का ख्याल है कि हमें उसके लिए भरपूर तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने मेरा टूर कैंसिल कर दिया। आप बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? सर तकरीबन रेडी, बस थोड़ी देर में फाइल तैयार होकर आपके टेबल पे आ जाएगी। वेरी गुड, आप कहीं जा रही थी? जी सर, और ये फाइल जीएम साहब ने भिजवाई थी। ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे देख लूंगा, आप अपने काम पे फोकस करें। मिस उफक, आजम साहब को आपसे बहुत तवक्कुआत है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चांस जाया नहीं करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मिस उफक, अगर आप बिजी ना हो तो क्या हम लंच कर सकते हैं? इसी बहाने प्रेजेंटेशन की तैयारी भी हो जाएगी। जी सर। अच्छा बेटा, ये उफक जो है ना, मुझे बड़ी इंटेलिजेंट लड़की लगती है, बहुत मेहनत कर रही है, आई एंड आई एम श्योर कि ये बहुत आगे तक जाएगी। वो जहीन तो है, मेहनत भी करती है, लेकिन उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। अगर वो आखिरी मिनट पे कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगी, पापा मेरी एक साल की मेहनत जाया हो जाएगी। भाई तुम कल उससे मिल लो, उसकी तैयारी चेक कर लो, हो सकता है कि तुम्हारे कमेंट्स बदल जाए। कल थर्सडे है, कल मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, अगर नहीं जाऊंगी तो मम्मी बहुत नाराज होंगी। वैसे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें बहुत एहसास करने वाली सास मिली। अंशरा जा रही हूँ मैं। अरे वाह, बहुत प्यारी लग रही है मैडम, क्या कोई बहुत बड़ा फंक्शन है? हाँ, तमाम बिजनेस टाइकॉन होंगे और बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। अरे उफक, ये तुम हो, कितनी प्यारी लग रही हो। बस अम्मी दुआ कीजिएगा, आज मैं अपने इम्तिहान में पास हो जाऊँ। कैसा इम्तिहान? बस यूँ समझे कि आज अगर मैंने सबके सामने डट के बोल लिया तो मैं पास हो जाऊंगी। अल्लाह तुम्हें हर इम्तिहान में पास करे, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ। जाओ, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्यारी लग रही थी, पहचानी नहीं मैंने तो। हारिस प्लीज जरा जल्दी चलाओ, देर हो रही है, कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी फिर। मैं तेज नहीं चला सकता, मुझे खास तौर पे कहा गया है कि आराम से लेके जाऊं तुम्हें। तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं दुनिया का कोई अनोखा काम कर रही हूँ। अगर ये बात ना होती तो ये प्रेजेंटेशन भी मैं खुद ही दे देती। क्यों, तुम्हें उस लड़की की एबिलिटीज पे डाउट है जिसको अंकल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है? नहीं नहीं, मैं उसको बहुत पहले से जानती हूँ, टैलेंटेड लड़की है, लेकिन उसके लिए ये सब इतना नया नया होगा, पानी कर पाएगी या नहीं। अच्छा तुम टेंशन ना लो, अंकल ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। अच्छा प्लीज तुम स्पीड बढ़ाओ, देखो जल्दी चलना है, गियर चेंज करो प्लीज।
उफक वैसे बहुत ही ज़हीन लड़की है, बहुत आगे तक जाएगी वैसे। Absolutely सर, मेरा भी यही ख्याल है। सलामिकम सर। वालेकुम असलाम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक, तैयारी हुई थी? जी सर, बहुत अच्छी तैयारी, और इस सारी तैयारी का क्रेडिट मिस्टर फराज को जाता है। सर ये खाम खा सारा क्रेडिट मुझे दे रही है, असल मेहनत इन्हीं की है। पत्थर पे 10 साल मेहनत करें तो भी पत्थर ही रहता है, और हीरे को जरा सा तराशें तो अपनी चमक सारी दुनिया को दिखा देता है। दरअसल शायद मेरे जिम्मे भी आपने एक हीरा डाल दिया। गुड गुड भाई, ये बाकी लोग नहीं आए, वो कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम माय सन, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। ओके सॉरी, वो आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। उफक के मेरे दामाद हैं आरिस, और ये समरा है मेरी बेटी, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, और मेरी कंपनी की MD है। ये उफक है, उफक हैदर, हमारी कंपनी में अभी ज्वाइन किया है इन्होंने, एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ब्राइट, यू नो, और बहुत कम अरसे में इसने हमारी कंपनी को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है, एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, यू नो, डे एंड नाइट। आई एम सॉरी अंकल, एक जरूरी काम याद आ गया है, आई हैव टू लीव। मगर बेटा वो कॉन्फ्रेंस। आई एम रियली सॉरी अंकल। हारिस सॉरी। मैं भी चलती हूँ सर, थोड़ी प्रैक्टिस करूंगी। एक्सक्यूज मी, आप लोग दोनों एक जगह बैठ के चाय पिए और बातचीत करें ना। प्लीज पापा, अगर ये पुराने ताल्लुकात भूल गई है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। गलत फहमी है तुम्हें, इस ताल्लुक को मैं कभी नहीं भुला पाई। सर मेरा ख्याल है मैं जाकर अरेंजमेंट्स देख लेता हूँ। ओके एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों बैठ के आपस में गिले शिकवे दूर करो। कुदरत ने ये मौका दिया है शायद इस रिश्ते को और मजबूत करना। कुदरत ने वाकई हमें एक रिश्ते में बांध कर मिलवाया, किस्मत की सितमजर्फी नहीं तो क्या है, हम दोनों दोस्त एक दूसरे की सौकन बन के मिलेंगे। क्या समरा ये सब जान के कोई ताल्लुक रखेगी मुझसे? और आजम अंकल, क्या फिर भी वो एहसान करेंगे मुझ पे? उफक कहाँ खोगी? कहीं नहीं सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था समरा कि हम इस तरह मिलेंगे। अच्छा लगा तुमसे मिलके, और मैं चाहती हूं कि तुम पुरानी सारी बातों को दिल से निकाल दो। देखो फक, मैं जानती हूं कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल से वो दुख नहीं जाता जो हमें तुम्हारे हवाले से मिला। मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को ये पुरानी बातें नहीं दोहरानी चाहिए। मेरा दिल आपकी तरह नहीं है पापा, जो भी गलत फहमियां हुई उनके लिए मैं तुमसे और अंकल से माफी मांगती हूँ। जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उफक, अगर मेरा दिल इतना ही बड़ा होता तो क्या मैं तुम्हें पहले नहीं माफी होती? लेकिन कुछ लोगों के मामले में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, स्पेशली वो लोग जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, जैसे कि मेरे पापा। तुम मुझसे भी तो मोहब्बत किया करती थी।
कुछ भी तो कह न पाए, ये हम भी सह न पाए, इस दर्द आशिकी में, इस शहर अजनबी में, इस शहर अजनबी में। ये उफक है, उफक हैदर, हमारी कंपनी में अभी ज्वाइन किया है इन्होंने। एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ब्राइट, यू नो, और बहुत कम अरसे में इसने हमारी कंपनी को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है। एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, यू नो। हारिस, काला ने आपसे कोई बात की? कौन सी बात? मेरी एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन? कैसी एजुकेशन? मैं MBA करना चाहती हूँ। आखिर क्यों, क्या जरूरत है तुम्हें? किस चीज की कमी है तुम्हें जिंदगी में जो तुम मजीद पढ़ना चाहती हो? वैसे भी ख्वातीन बिजनेस की डिग्री लेके करती भी क्या है? लेकिन मैं करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? बिजनेस फील्ड में अपना नाम बनाना चाहती हूँ। तुम्हारे ये ख्वाब शादी से पहले के जरूर होंगे। तुम फैमिली को सपोर्ट करना चाहती होगी, सहारा बनना चाहती होगी, लेकिन मेरी जिंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, कोई अहमियत नहीं है।